दोस्तों साल 2020 बीतने वाला है, लेकिन ये जो चाइना ने हमें गिफ्ट दिया है नए साल पे, हालांकि उन्होंने पिछले साल ही दे दिया था जब 2019 ख़त्म होने वाला था, और इस गिफ्ट को हम कहते हैं कोरोना वायरस। और हमारे जो ट्रंप जी थे वो तो इसे चाइना वायरस कहते थे। तो दोस्तों साल ख़त्म होने वाला है 2020, लेकिन ये वायरस ख़त्म नहीं हो रहा है। और अभी जो रिसेंट अपडेट आ रही है, जो रिसेंट न्यूज़ आ रही है कि इंग्लैंड में, साउथ ईस्ट इंग्लैंड में खासकर और लंदन में एक नया स्ट्रेन डेवलप हो रहा है कोरोना का। तो मैं ब्रजेश वर्मा आपका स्वागत करता हूं लाइफ इज ये चैनल पे। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अभी ये जो लंदन में और साउथ ईस्ट इंग्लैंड में जो ये न्यू स्ट्रेन पाया जा रहा है कोरोना वायरस का, इससे कितना इफेक्ट पड़ा है पूरे इंग्लैंड पे और पूरे वर्ल्ड में। तो अगर अभी तक आपने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों अभी रिसेंटली इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने ये बताया है कि साउथ ईस्ट इंग्लैंड में एक नया स्ट्रेन डेवलप हो रहा है कोरोना वायरस का, और ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। इवन जो पुराना कोरोना वायरस था उससे 70% ज़्यादा डेंजरस है। अब ये नया स्ट्रेन क्या है दोस्तों, जो कोरोना वायरस है वो डे पर डे अपने आप को चेंज कर रहा है। तो जो उसके एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं, तो जो नया वायरस बन के आ रहा है उसको नया स्ट्रेन कहते हैं। मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा दोस्तों। जब हमारे जो पूर्वज थे वो डे पर डे चेंज होते गए, तो हमारे जीन्स में भी चेंज आते रहे और हमारे हार्मोन्स में भी चेंज आते रहे, तो और इन्हीं चेंजेस की बदौलत आज हम ऐसे हैं। वरना हम आज की सिचुएशन को कंपेयर करें अपने पुराने पूर्वजों से तो हम काफ़ी अलग हैं। खासकर जब बोला जाता है कि इंसान, मानव जो है उसकी उत्पत्ति बंदर से हुई थी, तो दोस्तों ये चेंजेस आते गए और आज हम इस रूप में आपको दिखते हैं या खुद को देख पाते हैं। तो दोस्तों कोरोना वायरस का भी यही, ये नया स्ट्रेन है, इसमें पूरा चेंजेस आ चुके हैं, उसके एलिमेंट पूरे चेंज हो गए। अब दोस्तों क्या है कि ये जो नया स्ट्रेन आया है, लंदन और साउथ ईस्ट इंग्लैंड में पूरा हड़कंप मचा हुआ है। उन्होंने पूरा लॉकडाउन लगा दिया है पूरे इस एरिया में। प्लस इसको देखते हुए और इस सीरियसनेस को समझते हुए कई यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी अपने यहाँ से फ्लाइट्स बैन कर दी हैं, यातायात बंद कर दिया है इंग्लैंड के लिए। दूसरा, इंडिया ने भी एहतियातन अपने यहाँ से जितनी भी उड़ानें जाती हैं इंग्लैंड या वहाँ से आने वाली जितनी भी उड़ानें हैं उनको रद्द कर दिया है। बट इसी बीच अभी हर्षवर्धन जी का एक इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है और कहा है कि ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, हम प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं। और आप सुनिए इस वीडियो में उन्होंने क्या कहा है। इमेजिनरी सिचुएशंस, इमेजिनरी बातें, इमेजिनरी पैनिक, इन सब के अंदर आप अपने आप को मत उलझाइए। सरकार हर बात के लिए पूरी तरह से सजग है, और जैसे पिछले एक साल में आपने देखा कि सरकार ने आवश्यकता के अनुरूप जनता के हितों की रक्षा करने के लिए जो जो जिस जिस समय पर आवश्यकता किया, वो सारी चीज़ें सरकार देख रही है। लेकिन अभी अगर मुझसे आप पूछे तो कोई इतना पैनिक का कोई कारण नहीं कि जितना हम पैनिक, अगर आज अगर अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की बजाय अगर ये शुरू कर देंगे तो शायद फिर ज़बरदस्ती ज़रूर पैनिक फैल जाएगा। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया कि ये वायरस बहुत ही डेंजरस है, वहाँ की गवर्नमेंट ने, इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने बताया कि ये वायरस 70% डेंजरस है पहले वाले कोरोना वायरस से। तो ये काफ़ी डेंजरस एक तरीके से माना जा रहा है। और अभी ये जो नया स्ट्रेन आया है कोरोना वायरस का, इस पर जो अभी हमारी वैक्सीन बनी है उनका क्या असर होगा, इस पर कोई कुछ बता नहीं पा रहा है, क्योंकि सितंबर में इसको पहचाना गया इस नए स्ट्रेन को, तो इस पर ज़्यादा रिसर्च अभी हो नहीं पाई है। प्लस इस वैक्सीन का कितना असर होगा और आगे आने वाले टाइम पर ये कोरोना वायरस और कितना चेंज होगा, ये जो नया स्ट्रेन है कितना चेंज होगा। हालांकि ये वायरस अभी इंग्लैंड से बाहर नहीं निकला है, तो आपको उतना डरने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों इस वीडियो को समाप्त करते हुए मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि न्यू ईयर आ रहा है, ये साल ख़त्म हो रहा है, लोग इधर उधर जाएंगे, लोग पार्टी करेंगे, तो आप पूरा ध्यान रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखिए, हाथ धोते रहिए, मास्क लगाए रखिए और अपना ख्याल रखिए। और जब आप अपना ख्याल रखेंगे तो ये वायरस ऐसा है कि जब आप अपना ख्याल रखेंगे तो इससे आप दूसरों का भी ख्याल रखेंगे, यानी आप खुद भी बचे रहेंगे और अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो आप दूसरों को इन्फेक्ट नहीं करेंगे अगर आपने ये सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स अपनाए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू।